मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत की स्वर स्वामी ऑफिशियल एक और स्वर स्वामी दो, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर से एक बार हाजिर हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ तो जनरल जो लोग सिखाते हैं, जो रट्टा मार लेते हैं, रट्टा पर्टिकुलर रट्टा जो होता है, रट्टा अट्टा से गाना नहीं आता। रट्टा से खाली उतना ही पोर्शन आप गा सकते हो जितना आपने रट्टा मार लिया। और दुनिया में 99% लोग ऐसी है कि जो किताबों में लिखा है बस उसी को देख लिख के, वो देख देख के भैया वो गाना नहीं है। किसी के सामने दो तीन पलटे याद करके बोल लेना, जैसे कोई चार पांच अंग्रेजी वर्ड याद कर लेते हैं और बोल देते हैं तो ठीक है, उस पीरियड तक तो आप, उस वक्त तक तो आप उस पर इंप्रेशन मार सकते हो। पर जब कोई आपके सामने दूसरा स्किलफुली बोलने वाला अगर आ गया है, जैसे मानो कि गाने वाला आ गया, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के जितने सारे मेरे को सवाल आते हैं, आप जो मुझे पूछते हो सर ये टाइटल हट गया, आपने दूसरा किया, देखो भैया एक बात सुनो, मैं हूँ स्वानंदी और मैं हूँ स्वामी का भक्त। उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है कि ये जो चल रहा है इसमें कुछ तो भी अलग सोच के, जो कि जनता तैयार हो, जो कि शागिर्द तैयार हो, जो कि संगीत सीखने वाले स्टूडेंट अपने 8-10 साल किसी स्कूल में जाके, किसी शिक्षक के यहाँ पे जाके, जो कुछ पहले दिन से वो जो रट्टा मारने का प्रयास शुरू करते हैं, वो सब मैं नहीं करता। न मैं कोई एग्जाम लेता हूँ, क्योंकि गाने के लिए मेरा विश्वास है कि गाने के लिए आपको ऑन स्टेज जब आप बैठते हो तो पब्लिक जो रिस्पॉन्ड करती है आपका गाना सुन के, वही आपका एग्जाम है। आपको तो बहुत सारे अंक आ जाएंगे आप जो एग्जाम दोगे, चाहे आप कुछ देख के ना देख के रट्टा मार के जो भी करोगे, 100 में से 99 क्या 100 भी आ जाएंगे। पर कभी सोच के देखो, आप तो कामयाब तो हो गए हैं लोगों के नजरों में। काबिलियत अपने दिल को पूछ के देखना है। और ये जो लोग पढ़ रहे हैं, जो किताबों में लिखा है, अगर किताबों में लिखने से मतलब लिखकर पढ़ने से अगर गाना आ गया रहता तो आज कई सारे तो गवैये बन गए। मेरी तो इच्छा यही है ना कि आप सब लोग उस गवैये बन जाओ, पर वैसा होता नहीं है। आपको मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, जो कुछ गुणीजन है जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनकी उस लेवल तक चलती है, वो शायद समझ पाते होंगे, पर बाकी जनरल पब्लिक जो है उनको थोड़े में थोड़ा सोचने में समझने में थोड़ा कष्ट होता होगा। क्योंकि कैसी है बात, जब मैं बोलता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके पीछे रहता है भाव, वो भाव को जानने की कोशिश करो। जैसे हम दूसरे के बेटी को तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन खुद के बेटी को जब आशीर्वाद देते हैं तो उसमें कुछ अलग भाव होता है। ये तो आप मानते हो कि अपना और पराया, मैं तो संगीत अपना मानता हूँ। और आप जो सीख रहे हो, चाहे यूट्यूब से हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी मेरे पास में सीख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नाज है आप लोगों पे कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मैं एक ही हूँ ऐसा, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, आपको नज़र तो है, मैं नज़रिया दे रहा हूँ, आपको दृष्टि तो है, मैं दृष्टिकोण बदल रहा हूँ आपका। सब लोग सांस ही सांस तक चलते हैं, ठीक है चलते हैं, मैं भी सिखाऊं, पर कभी उसमें भी रिसर्च करके भी सांस से सांस चलने के बाद में हमने क्या पाया है, और प से प चलने में हम क्या पाते हैं। तो देखो ये जो सांस से सांस चलते हैं तो एक पूरा सप्तक, बाद में उसका तार सप्तक का आधा भाग और मंद्र सप्तक का आधा भाग, ऐसे करके ये एक पूरा, ये आधा और ये आधा, ऐसे करके दो सप्तक पूरे करते खर्च की रियाज अलग करने बैठते हैं। मैंने सोचा यार ये क्या मतलब है कि ये सांस चल रहा है उसके बाद में फिर नीचे आ रहा है। अच्छा कोई आपको अगर वहाँ पे
डेडलाइन नहीं मिलती तो आप खर्च तो किसी बेस से लगाते हो। आपको पता है कि खर्च एक प्रोग्राम है, किसी डेडलाइन अगर आपको मिलती है तो आप बराबर प्रैक्टिस शुरू करते। जैसे एग्जाम का डेट अगर जाहिर हो जाता है तो आप फिर एक महीना भर पहले उठ के चलो यार अभी एग्जाम का डेट तो जाहिर हो गया, अपने को पढ़ाई करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग हैं जो रोज पढ़ के एग्जाम के टाइम तक रेडी होते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्जाम का डेट कब जाहिर हो गया ना, चलो अभी यार किताबों की धूल झटकते हैं, अब पढ़ाई करना चाहिए बस। क्योंकि 95% जनता ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेडलाइन मिलती है तो हम जागरूक होते हैं। तो कहने का मतलब कि पाँच से ही अगर शुरू करते हैं तो नेचुरली घर से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो पाँच से प और पाँच से प, मतलब ये एक सेक्टर और ये एक सेक्टर, ये दो सप्तक जो है ये कंटिन्यूसली दो सप्तक ऐसे अगर रियाज करें तो फिर क्या बुरा है। अच्छा, ओंकार ओंकार ये सब मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगा आपको कि आप क्या करते हो और क्या करना चाहिए आपने। ओंकार 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 मान रहा हूँ ओंकार है, पर ओंकार से ये जब पोर्शन इधर का रेडी हो रहा है, अब गाना तो हमको ऊपर गाना पड़ता है क्योंकि आजकल का ट्रेंड जो है सब ऊपर ही आवाज चलती है। सर आपने तो देखा है मेरा वीडियो, ऊंची आवाज कैसे गाए, ऊंची आवाज और उसका अप्रोच, ये सब चीज खाली यहां से नहीं होती है। मैं बार बार बोलता हूं आपके पास में गला है तो खाली गले को ही यूज करते हैं, गाना पूरे आत्मा का काम है। सोच लिखने के पार जो होती है वो सोच होती है, लिखने में जो दिखता है वो तो शास्त्र होता है। आप सब वो चीज देखते हो जो लिखी हुई है, वो चीज देखो। अच्छा, सभी चीज मैं अगर YouTube पे देऊं तो शायद आपको समझने में कठिनाई होगी, नहीं समझा सकता मैं कुछ चीजें। अच्छा, आपको जो चीजें रट्टा मारना है तो उसके लिए कई सारे मेरे दोस्तों के चैनल इसके ऊपर है। जो लोग बोलते हैं कि आज राग ये आज राग वो आज राग वो, राग तो भैया इतने पड़े हुए हैं, पहले सात सुर जो बेस है, पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक बड़े बड़े उस्तादों ने भी कहा है, मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक ये सात सुर सात ही बोलते हैं। मैं तो यहाँ तक आपसे एक कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए तैयार हूँ कि सुर सात नहीं सुर बारह है, हमने उसको नाम दिए है कोमल वो नीचे आते करके, पर सबकी जगह सेपरेट है। और आप लोग जब सुनते हो अच्छा हाफ नोट नीचे हाफ नोट ऊपर, हाफ वाप कुछ नहीं, उसका अलग अस्तित्व बना पड़ा हुआ है। वो कोमल रे है तो कोमल रे है, शुद्ध रे है तो शुद्ध रे है, वो शुद्ध रे यहाँ है तो कोमल रे यहाँ है, थोड़ा भी फर्क। जैसे डॉट 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 में एक डॉट चुक गया तो खुलता है कि आपका वेबसाइट नहीं खुलता, उस तरीके से एक भी सूर्य इधर इधर हिल गया तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। वो जो बारह सुर बने सात मेन शुद्ध ये बनाने के लिए बताने के लिए रखे हैं, पर टोटल तो 12 ही है।